हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि युविका प्यार से तो वैसे ही नफरत करती है, तो वो यही सोचती रहती है कि मुझे इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, दोबारा से अपना दिल नहीं तोड़वाना, दोबारा से अपने आप को फिर से चोट नहीं पहुँचवानी। और यही सोचते सोचते वो उसे रूम में ले कर जाती है। वहाँ साक्षी को बैठाती है और कहती है, ये पागलपन बंद कर दो, मत करो, कितनी चोट लगी है तुम्हें, दिख रहा है तुम्हें, समझ आ रहा है? कहती है, लगी है तो लगी है यार, अगर मेरी चोट लगने से तुम इस नरक से बाहर आ जाओ तो ऐसी चोट खाने के लिए मैं बार बार तैयार हूँ। तो कहती है कि युविका कहती है कि ये पागलपन बंद करो, सच में इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कहती है, ना मिले? कहती, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे इस हरकत से मैं ड्रिंक करना बंद कर दूँगी? कहती है, मत करो, मैं कहाँ कह रही हूँ, कर दो। तो कहती है, तो ये हरकतें मत करो ना। कहती है, मैं तो जो करना है मैं करूँगी, आपको ड्रिंक करनी आप करो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। कहती है, क्या अजीब ज़बरदस्ती है यार। हाँ, तो कहती है, मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ या आप ज़बरदस्ती कर रहे हो? कहती, मैं कहाँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ। कहती है, जान बूझ के इस दलदल में घुसते चले जा रहे हो, ये ज़बरदस्ती नहीं है तो क्या है? कहती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। कहती, क्यों क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर जो आप इसके बिना नहीं रह सकती हो? पहले नहीं रहती थी, बचपन से सीखी हो क्या, पैदा होते ही पीना शुरू कर दिया है क्या? तो युविका कहती है, तुम बात को दूसरे एंगल में लेके जा रही हो। कहती है, दूसरा एंगल नहीं है, यही एंगल है जो आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हो, प्रॉब्लम आपकी ये है। आपको पता है क्या हो गया है, जैसे हो जैसे रह रहे हो आपको लगता है इसी में सब सही है, आप उस जोन से खुद बाहर नहीं आना चाहते हो। बहुत सिंपल सी बात है, और जब तक आप खुद बाहर नहीं आना चाहोगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इससे बाहर नहीं ला सकता, ये ड्रिंक भी नहीं। ड्रिंक करके जितनी देर नशे में रहोगी उतनी देर उसे भूल के रहोगी, उसके बाद फिर से वही हाल, वही प्रॉब्लम्स, उसको वैसे ही फेस करना है कि नहीं? कहती है, मैं क्या करूँ? कहती है, जो मैं कह रही हूँ वो करो, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको हिम्मत दिखानी है जो आप नहीं दिखा रही हो। कहती है, लेकिन तुम ये सब मत करो। कहती है, मैं करूँगी, जब जब ड्रिंक की याद आए ना ये सोच लेना मैं अपने साथ क्या करूँगी। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि अब जिस भी दिन मैंने तुम्हें नशे में देखा उस दिन मैं अपने आप को हार्म करूँगी, बस। युविका कहती है, यार क्या बचकानी हरकतें हैं। कहती, बचकानी समझ लो, आप तो बहुत समझदारी वाली हरकतें कर रही हो ना, तो मेरी बचकानी ही सही, जो भी है यही है, नाउ इट्स योर चॉइस। कहती है, यार हाँ जी, भी ज़बरदस्ती है, कुछ भी ते, हाँ कुछ भी, और कुछ? कहती है, नहीं कुछ नहीं, तुम आराम करो मैं जाती हूँ। कहती है, हाँ जाना है जाओ, बट ड्रिंक बिल्कुल नहीं करोगी? कहती है, आई विल ट्राई। कहती है, ठीक है, यू ट्राई, और मैं क्या करूँगी वो तुम देखना। युविका थोड़ी इरिटेट होती है और वहाँ से उठ के चली जाती है, और साक्षी थोड़ा सा चोट होती है उसको तो बैंडेड वगैरह करती है और सो जाती है। इधर युविका की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, बट वो साक्षी का वो सीन देख देख के खुद पर बहुत कंट्रोल कर रही होती है, बट उससे नहीं हो रहा होता, बहुत परेशान हो जाती है। तो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है,
वही जो उसे उस समय एडवाइस दे रही थी उसकी कॉलेज फ्रेंड, तो वो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ इतनी रात को कॉल क्या हुआ? कहती है आई नीड अ डॉक्टर। कहती है डॉक्टर बट वाई? कहती नहीं सीरियसली आई नीड अ डॉक्टर एंड मुझे ड्रिंक छोड़नी है जो मेरे से हो नहीं रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो उसके फ्रेंड कहते हैं ओके आज तो कंट्रोल कर लो, सुबह चलते हैं। कहते नहीं राइट नाउ मुझसे नहीं होगा, और अगर मैंने पी लिया या कुछ कर लिया तो वो दोबारा से जो है अपने आप को चोट पहुंचा लेगी। तो वो कहती है कि कौन? कहती है साक्षी यार, और कौन है? कहती वो क्यों खुद को चोट पहुंचा लेगी? कहती है पागल हो गई है वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी करने को तैयार है। कहते ओके ठीक है मैं आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ बाहर मिलना मेरे से। कहते हैं ठीक है आ जाओगी ना पक्का? कहती हाँ आ रही हूँ, बस तब तक मत करना। कहते ठीक है, ये कह के वो उसका इंतज़ार करने लगती है, और थोड़ी देर में उसकी वो फ्रेंड आती है और उसको वहाँ से पिक करती है, और उसे रास्ते में कहती है कि ऐसे सडन क्या हो गया? कहती है मुझे सच में छोड़ना है, मैं कोशिश बहुत टाइम से कर रही थी बट मुझसे हो नहीं रहा था, और अब कोई मेरी वजह से खुद को चोट पहुँचाए मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि दर्द क्या होता है ये मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता, इसलिए आई डोंट वॉन्ट कि मेरी वजह से किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। कहती है ओके, तो वो फिर उसको वहाँ से डॉक्टर के पास लेके जाती है, और वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह करता है और जो भी होता है उसे बताता है, और कहता है कि कुछ टाइम तक तुम्हें एडमिट रहना पड़ेगा। तो युविका कहती है शिट, वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है और कहती है यार ये तो एडमिट के लिए कह रहे हैं। कह रही हाँ कह रहे हैं तो रहना तो अब तुमको पड़ेगा। कहती है बट उधर उस साक्षी को मैंने कुछ नहीं बताया। कहती है उसको मैं बता दूंगी, डोंट वरी, तुम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। कहते हैं ठीक है यार, बट कहते हैं बट कुछ नहीं, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, अगर तुम्हें सच में ये जो तुम कर रही हो इससे आज़ादी चाहिए तो, अदरवाइज हम घर जा सकते हैं। कहते हैं नहीं 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 आई रियली नीड, तो वो एडमिट हो जाती है। इधर उसकी फ्रेंड रात भर वहीं रहती है, उससे बातचीत करती रहती है, कुछ मेडिसिन वगैरह उसके चलती हैं, डॉक्टर भी पूरी तरह उसका ध्यान देता है। तो युविका से वो कहती है कि यार मैं घर जाऊं? तो कहती है यार मैं अकेले बोर हो जाऊंगी सच्ची में। तो कहती है यार अच्छा ठीक है। कहती है कितना टाइम लगेगा, यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? कहती है कि मुझे भी नहीं पता यार, मैं क्या यहाँ पे यही काम थोड़ी ना करती रहती हूँ जो मुझे पता होगा। कहती है ठीक है, फिर उसकी फ्रेंड वहीं रुकी रहती है, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह साक्षी जब उठती है तो पहले तो वो घर के काम वाम निपटाती है, और फिर देखती है कि युविका अभी तक नीचे नहीं आई तो थोड़ा सा घबराती है और कहती है कि कहीं इसने फिर से तो ड्रिंक नहीं कर ली। ये सोच के वो फटाफट उसके रूम में जाती है, देखती है कि युविका वहाँ होती नहीं है तो थोड़ी घबरा जाती है। कहती है यार ये कहाँ चली गई, कल मैंने जो किया ये फिर से नाराज़ तो नहीं हो गई? एक तो इसकी नाराज़गी, कसम से जान ले लेगी मेरी, हर बात पे नाराज़ होना होता है यार इसको, कैसे चलेगा ऐसे? और फिर वो उसको कॉल करने लगती है तो युविका का फ़ोन साइलेंट होता है फिर से। कहती है फिर फ़ोन नहीं उठा रही, मैं ना इससे ना दुखी हो गई हूँ, मैं
क्या करूँ, कहाँ कहाँ ढूँढूँ इसको, और वो ऐसे सोचती है, थोड़ा परेशान हो रही होती है। तभी युविका इधर उठती है और देखती है, उसका फ़ोन उठाती है, देखती है कि साक्षी की कॉल होती है, तो साक्षी को कॉल बैक करती है। साक्षी तुरंत फ़ोन रिसीव करती है, कहती है तुम फिर कहीं भाग गई, क्या है ये रोज़ सुबह कहाँ भाग जाती हो, पागल हो क्या। कहती है अरे मैं कहीं भागी नहीं हूँ भाई। कहती कहाँ हो फिर। कहती है कि ट्रीटमेंट लेने आई हूँ अपना। कहती है कहाँ पे और किस चीज़ का ट्रीटमेंट, तुम्हारी तबीयत कब ख़राब हुई। तो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कब ख़राब हुई। कहती है वाह तबीयत तुम्हारी ख़राब हुई और तुम्हें पता ही नहीं है। कहती है नहीं पता। कहती है तो इतना इरीटेट क्यों हो रही हो। कहती तुम कर रही हो यार जब मैं कह रही हूँ नहीं पता। क्यों नहीं पता, मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे क्यों नहीं पता। कहती है कहाँ हो ये तो बताओ। तो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इधर से साक्षी निकलती है और वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकती हो, साक्षी आ रही है, वैसे भी तुम पूरी रात यहाँ रही हो। तो कहती है कि चल ठीक है मैं जाती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। तो कहती है ठीक है पक्का। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर में साक्षी वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ पर पूछती है युविका नाम से और वहाँ युविका तक पहुँच जाती है और युविका को देखते कहती है क्या हुआ है तुम्हें, क्यों एडमिट हो तुम। तो कहती है तुम कह रही थी ना कि ड्रिंक छोड़नी है, मुझसे नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था बस इसलिए। कहते ओके कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे, तुम छोड़ दोगी, आई एम श्योर, आई एम रियली रियली श्योर। कहते थैंक यू बट मुझे नहीं लगता मैं छोड़ पाऊँगी। कहती ऐसा क्यों सोच रही हो। कहती पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है मुझे। कहती है सब हो जाएगा, सब छोड़ दोगी। और इसी तरह उसका काफ़ी टाइम तक इलाज वहाँ चलता रहता है क्योंकि इतनी जल्दी तो यह छूटती नहीं है। और साक्षी घर और हॉस्पिटल दोनों देखती है, अपनी जॉब भी देखती है साथ में। तो युविका उस समय साक्षी को देखती है, बहुत एब्सॉर्ब करती है कि किस तरह वो उसके लिए हर एक चीज़ करने को तैयार थी। तो उसके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ट होता है और वो दिन भी आ जाता है जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और कभी ड्रिंक ना करने का खुद से प्रॉमिस करती है। और डॉक्टर से जो चेकअप होते हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर भी उसको वहाँ से लीव दे देता है और कहता है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी इन्हें खुद पे भी अभी कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। और फिर साक्षी उसको वहाँ से हॉस्पिटल से घर लेके आती है, उसकी पूरी केयर करती है और इनका डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। बट इधर साक्षी सोचती है कि युविका ने ड्रिंक छोड़ दी है क्योंकि वो कभी भी उसके सामने ड्रिंक करके नहीं आती है और ना ही उसे पता चलने देती है। बट युविका ने ड्रिंक छोड़ी नहीं होती, वो थोड़ी सी करती है, उसे छुप छुप के करती है और उसे पता नहीं चलने देती, ये बिना सोचे कि जिस दिन उसे पता चलेगा उस दिन क्या होगा। तो उसे चोरी छुपे थोड़ी बहुत करती है हाँ, लेकिन जिस क्वांटिटी में वो पहले पी रही होती है वो क्वांटिटी उसकी कम हो चुकी होती है। तो होप सो इन फ्यूचर वो भी बंद कर दे, बाकी तो भगवान मालिक। तो ऐसे ही इनके दिन गुजर रहे होते हैं और एक दिन युविका जो है घर आती है और वो देखती है कि साक्षी किसी लड़की के साथ बैठी होती है, बातचीत कर रही होती है। तो युविका उसे हेलो बोल के अपने रूम में चली जाती है
और इंतज़ार करने लगती है कि लड़की कब जाएगी और वो साक्षी से कुछ बात करे। इसी तरह इनके 2-3 महीने और बीत चुके होते हैं। तो ये 2-3 महीने के बाद की बात है कि वो लड़की आती है जब घर पे, तो अपने रूम में जाती है और वेट करने लगती है, कभी बाहर कभी अंदर। और साक्षी उसे देख रही होती है कि काफ़ी बेचैनी है और ये क्या हो रहा है। तो ये सारी बेचैनियाँ उसके अंदर बहुत हो रही होती है कि ये कब जाएगी, कब मैं साक्षी से बात करूं। तो वो लड़की साक्षी के थोड़ा क्लोज़ रहती है, उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है वो, और ये बात योगिका को पता नहीं होती। तो वो बार बार उसे इधर उधर टच कर रही होती है, उससे हंसी मजाक कर रही होती है, और योगिका ये चीज़ देख के उसे बुरा लग रहा होता है। तो उससे रहा नहीं जाता और वो साक्षी के पास आती है और कहती है आई नीड टू टॉक टू यू। तो साक्षी कहती है ओके, थोड़ा वेट कर लो, मेरी फ्रेंड बैठी है ना, मैं बात कर लूँ। कहती है कि मुझे तुम्हारा बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि मैं टाइम नहीं दूँगी, बट थोड़ा सा इत्मीनान रखो। तो कहती है कि मुझे अभी बात करनी है। कहती है युविका, बोल रही हूँ ना, करती हूँ बात। कहती अभी करनी है ना। कहती क्या बच्चों जैसी जिद है। कहती कोई बच्चों जैसी जिद नहीं है, मुझे अभी के अभी बात करनी है, मुझे नहीं पता। तो साक्षी कहती है अरे क्या है। कहती है यार मैं कह रही हूँ मुझे बात करनी है, तुम्हें समझ नहीं आता है। तो कहती है मेरी फ्रेंड बैठी है ना, ये बचपना बंद करो, बाद में बात करूँगी मैं। तो वो ऐसे डांट देती है युविका को। युविका वहाँ से बाहर चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या चल रहा है मैडम। कहती है कुछ नहीं, क्या चलेगा, कुछ भी नहीं चल रहा। कहती कुछ तो चल रहा है हा? इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी उसको। तो कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है, बस होगा कुछ इशू। तो कहती है तो तुम क्या लगती हो उसकी, जो सारे इशूज तुमसे डिस्कस करना चाहती है। ए देख मुझे पता है तुझे लड़कियां पसंद हैं, बट टेल मी क्या चल रहा है। कहती कुछ नहीं चल रहा, तू ज़्यादा सोच रही है। कहती मैं ज़्यादा सोच रही हूँ सच्ची में। कहती है हाँ तू ही ज़्यादा सोच रही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कहती ओ रियली। कहती या रियली। कहती है चलो हो सकता है मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, बट देख अगर मुझे बाद में पता चला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कहती क्यों, क्या करेगी तू। कहती वो तो वक्त बताएगा कि मैं क्या करूँगी, है ना। कहती धमकी। कहती नहीं सच्चाई, मैं क्यों धमकी देने लगी। कहती ये गलत है। कहती गलत तो कुछ भी नहीं है, सब सही है, और जो तुम कर रही हो उस हिसाब से तो सब कुछ ही सही है। तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हें इतने अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हो। तो साक्षी उसको बोलती है कि या आई लव हर। कहती है यू प्रपोज्ड हर। कहती है या। कहती है देन उसने क्या कहा। तो कहती है कि शी डिनाइड। कहती व्हाट, कोई लड़की तुम्हें कैसे मना कर सकती है। तो कहती है क्यों, मुझ में ऐसा क्या है कि कोई लड़की मुझे मना नहीं कर सकती। कहती है यार क्या नहीं है, वेल सेटल्ड हो, खूबसूरत हो, एजुकेटेड हो, और क्या चाहिए किसी को अपने पार्टनर में। कहती है शायद उसे कुछ और चाहिए हो। कहती है साफ साफ बता ना क्या बात है। तो कहती है कि शी लव समवन एल्स। कि अभी भी यहीं की है कोई। कहती है नहीं नहीं इन इंडिया एंड शी डिस्टर। तो कहती है सच में। कहती है या। तो उसके पीछे ही अभी तक पागल है कि हाँ अभी तक। कहती है अरे यार अब तो भूल जाना चाहिए। कहती है नहीं भूलती है वो, क्या करूँ मैं, और शायद कभी भूल भी नहीं सकती।
कहते पता नहीं बट भूल जाना चाहिए। कहती उम्मीद तो यही करती हो कि किसी दिन आके बोल दे मुझे कि साक्षी आई लव यू। मुझसे ज़्यादा खुश शायद दुनिया में कोई होगा उस टाइम पे। सच में कहती है हे यू रियली लव हर। कहती है अरे तुम्हें क्या झूठ लग रहा है। कहती है मुझे लगा कि बस तुम ऐसे ही कह रही हो। कहती है नहीं मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहती है कि दिख गया अब दिखाया। कहती है बड़ी देर में दिखाया। कहती है हाँ। कहती है तो उसे पाने के लिए कुछ तो कर। कहती है मैं प्रेशराइज नहीं करना चाहती। कहती है कि अगर प्रेशर नहीं डालोगी कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देने से अपनी नहीं होती तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर तो डालना पड़ता है ना। और उसकी फ्रेंड वो माचिस की तिल्ली वाला काम करके चली जाती है और साक्षी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि उसे अपना प्यार पाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। थोड़ा फोर्स तो बनता है उससे बातें तो करनी चाहिए। क्या पता सच में कुछ अलग हो जाए कुछ अच्छा हो जाए। और ये सारे ख्याल उसके दिमाग में चलने लगते हैं और वो युविका को कॉल करती है। युविका फ़ोन उठाती है। कहती हाँ बोलो। कहती कहाँ हो आओ बात करने थी ना तुम्हें। कहती मुझे नहीं करनी अब। जब मैं कह रही थी तब तो तुमने सुना नहीं अब नहीं करनी। तो साक्षी कहती ओ नाराज़ हो गए बड़ी जल्दी। कहती नहीं करनी है फ़ोन रखो तुम। कहती अच्छा होगा ये तो बताओ। कह रही नहीं बताना मुझे कुछ रखो फ़ोन तुम। और ये कह के युविका कॉल कट कर देती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।